पूरी दुनिया ने कोरोना के प्रकोप को झेला है। इस वायरस के चलते करोड़ों लोगों की जान चली गई। करीब 3 साल हो गए हैं और ये वायरस कई बार कई वेरिएंट में सामने आ चुका है। दुनिया के कई विकसित देशों की चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है। सेंट्रल एशिया में बसे तुर्कमेनिस्तान ने काफी खूबसूरत और सूझबूझ से कोरोना को अब तक अपने देश में घुसने नहीं दिया है। अभी तक इस देश में कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला। देश में किसी तरह की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया गया है। इसके अलावा सभी को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। शुरुआत से ही लोग इसका पालन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ये देश कोरोना फ्री है। न्यूई साउथ पैसिफिक में ही बसा है और एक छोटा सा आइलैंड है। इसने भी कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 69% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। न्यूई साउथ पैसिफिक में ही बसा एक छोटा सा आइलैंड देश है। वेस्टर्न पैसिफिक में बसा माइक्रोनेशिया अभी तक कोरोना से सुरक्षित है। यह देश 4 आइलैंड का समूह है। इस देश में भी टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोरोना की शुरुआत में ही इसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। नतीजा ये है कि आज WHO ने इसे कोरोना मुक्त देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नजदीक बसा छोटा सा देश नाउरू, ये देश अपने सफेद रेत वाले किनारे के लिए मशहूर है। वैसे तो ये टूरिस्ट के लिए काफी लोकप्रिय है, लेकिन कोरोना की वजह से इसने तत्काल बॉर्डर सील कर दिए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 68% आबादी वैक्सीनेटेड है। इस देश ने अब तक कोरोना को फैलने नहीं दिया। साउथ अटलांटिक ओशियन में बसे सेंट हेलेना को दुनिया के सबसे दूरदराज इलाकों में से एक माना जाता है। यह अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोस्ट से 1200 मील और राजधानी रियो से 2500 मील दूर है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 4500 है, लेकिन ये सभी लोग कोरोना से बचे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 58% लोग कोरोना से वैक्सीनेटेड हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा देश है वालू, यहाँ करीब 50% लोग कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेटेड है। यह आइलैंड साउथ पैसिफिक में स्थित है। वैसे तो ये कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, लेकिन अन्य बाकी मेंबर्स के मुकाबले यहाँ सुरक्षा इंतजाम ज्यादा कड़े थे, जिस वजह से यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं निकला। शुरुआत से ही यहाँ क्वारंटीन और बॉर्डर्स को क्रॉस करने को लेकर सख्त नियम बना दिए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि ये देश कोरोना मुक्त है। साउथ पैसिफिक ओशन के पास स्थित टोकेलियो में आज कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस देश को WHO ने भी कोविड फ्री घोषित कर दिया। आपको बता रहे, यहाँ कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। ये देश समुद्र के किनारे है, यानी ये एक आइलैंड है जहाँ सिर्फ जहाज से ही पहुँचा जा सकता है। आपको बता दें, देश की जनसंख्या करीब 1500 है।